हेलो गाइस, ऑल बुक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आज को आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। और इंटरनेशनल बाउंड्री जो मैंने सेलेक्टेड जो टॉपिक है जो सेलेक्टेड टॉपिक है बस उन्हीं का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ डिस्कशन करेंगे। देखिए कि फर्स्ट में है ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन जैसे आप देख सकते हैं ड्यूरेंट लाइन कहाँ पर है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में पाया जाता है ड्यूरेंट लाइन। और जैसे कि मैकमोहन लाइन सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपको चाहे तो आप इम्पोर्टेंट ये तीन भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये हो गया ड्यूरेंट लाइन, ये इम्पोर्टेंट है। मैकमोहन लाइन भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आप देख सकते हैं। मैकमोहन लाइन भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आपके। और रेड क्लिफ लाइन, ये सबसे जो VVI क्वेश्चन आप कहेंगे इस टॉपिक का, ये है इंडिया और पाकिस्तान का रेड क्लिफ लाइन। ये VVI है, VVI ये रेड क्लिफ लाइन। और जो जो आगे आता है सेवेंथ पैरेलल नॉर्थ वियतनाम और डी वियतनाम आता है। 24 पैरेलल है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आता है। और 38 पैरेलल लाइन किस बिटवीन में फॉलो होता है, देखिए वो नॉर्थ कोरिया और ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और 49 पैरेलल जो US कनाडा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी याद रखिएगा एक। और जर्मनी और पोलैंड जो है ये दो है, ये दोनों आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जर्मनी और पोलैंड में देखिएगा हिंदर हिंडनबर्ग और ऑर्डर नेसी लाइन है, हिंडनबर्ग और ऑर्डर लाइन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखिएगा। और जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, जर्मनी फ्रांस के बीच में है मैग्नोइट लाइन आता है। और देखिएगा सेगफ्रिड लाइन कहाँ पर आता है, जर्मनी और फ्रांस के बीच, ये भी जर्मनी और फ्रांस, ये भी दो आप रखिए। और इधर से भी दो रखिए, ये जर्मनी और फ्रांस ये भी रखिए। और सबसे VVI मैंने आपको पता ही दिया, एक तो मैंने इसको बताया ड्यूरेंट लाइन इम्पोर्टेंट है, मैकमोहन लाइन इम्पोर्टेंट है, रेड क्लिफ लाइन इम्पोर्टेंट है, और जो सबसे 49 पैरेलल लाइन जो पूछा जाता है US एंड कनाडा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक याद रखिएगा जर्मनी और फ्रांस का ही है वो मैग्नोइट लाइन। ये थोड़ा सा ये है सबसे VVI क्वेश्चन, सबसे VVI क्वेश्चन, और बाकी सब तो इम्पोर्टेंट है ही, इसलिए आपको इंटरनेशनल बाउंड्री अच्छे तरह से कवर कर लेना है। चलिए मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।